हो यार दिखाई हो मैं जैत होता है अरे यहां पीला दिखाओ तो ना लाल दिखाई तो ज्यादा हां मस्त झूला हां तुम जाए कब हम लोग आ चुके हैं ग्लोबल विलेज घूमने के लिए और चलते हैं अंदर देखते हैं एंट्री कहां से होती है चलते हैं ग्लोबल विलेज घूमने रात में क्योंकि अभी मंगेश हाँ चलो आप लोग अभी दिखाते हैं ग्लोबल मेला है वहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने पार्किंग किया हुआ है ये एक मॉल है वहाँ पे सिटी लैंड वहाँ पे पार्क किया हुआ है क्योंकि अगर आप पार्क करते हो जो मेला वाला जो पार्किंग है वहाँ पे पार्क करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाएगा किसी झूले पे बैठना इस झूले पे बहुत मजा आ रहा है बैठने के लिए तो वैसे हम लोग पार्किंग दूसरे साइड की है क्योंकि पार्किंग इसलिए की है क्योंकि अगर आप झूले वाले साइड में पार्किंग करोगे तो वहाँ पे आपको 150 दिरहम देना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए हम लोगों ने पे किए जो सिटी पास में सिटी मॉल लैंड है हम लोगों ने वहाँ किया है ताकि हम लोगों को थोड़ा कम पे करना पड़े और ये हमारा प्यारा सा झूला जिसे देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था गलती से हम लोग बस को 1 किलोमीटर जाना था और 1 किलोमीटर जाने के लिए हम लोगों ने 500 पे किया तो प्लीज़ अगर टिकट लिया ये 25 दिरहम का एक पड़ा है अगर आप संडे से थर्सडे के बीच में रहा तो 20 दिरहम पड़ेगा अगर उससे बाकी दिन आ रहे तो आपको 25 दिरहम पड़ेगा जो मैंने टिकट ले लिया टिकट काउंटर यहाँ पर है और ये टिकट और यहाँ से चलते हैं अंदर ग्लोबल विलेज हम लोग का बैग स्कैन होगा हम लोग अंदर आ चुके हैं चलो आप लोग को दिखाते हैं मेला अंदर का व्यू और हम लोग का इंडिया जो कि सबसे फर्स्ट में ही है क्योंकि ये है इंडिया और इंडिया में से फर्स्ट में ही होता है और ये ग्लोबल विलेज यहाँ पे आप लोग को हर स्टेट का मिल जाएगा चलो पहले इंडिया में चलते हैं गाइस जैसे ही ग्लोबल मेला स्टार्ट हुआ जहाँ से मेन गेट है वहीं के जैसे सामने ही सबसे पहले हम लोग का इंडिया पड़ रहा है जहाँ पे सबसे पहले इंडिया का जो मेला का जो थीम रखा हुआ है सारे कंट्री का तो सबसे पहले इंडिया पड़ रहा है हम लोग इंडिया के अंदर जा रहे हैं चलो आप लोग दिखाते हैं इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ यहाँ पे मिल रही है तो गाइस जैसे हम लोगों ने इंडिया के अंदर एंटर किया आप देख सकते हो कथक का जो डांस होता है उनके गेटअप में कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई यहाँ पर डांस भी हो रहा था उसका मैं आप लोग को वीडियो दिखाती हूँ और यहाँ पर कश्मीर और देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा कपड़े अवेलेबल है क्योंकि कश्मीर में तो इंडिया में ही आता है और यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो खाने की चीज़ें भी जो पानी पूरी तो सारी चीज़ें मिल रही थी बट जो हम लोग को इंडिया में एक्चुअली खाने को मिलता है जैसे समोसा हो गया सब मोमो वोमो ये सब यहाँ पे नहीं दिख रहा था बस पानी पूरी फेमस है जलेबी ये सब दिख रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था आप देख रहे हो खुद ही घूमते रहो बस अब तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो इंडिया में जो फेमस है जूती होती है जो कि आप लोग बताएंगे काफ़ी ज़्यादा हम लोग जो सामान होते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं तो सारी चीज़ें आप दिख रही हैं जो हम लोग जूती इंडिया के मार्केट में देखते हैं जो काफ़ी 200-300 का पड़ता है यहाँ पे अभी उसी के रेंज में पड़ा था थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा ज़्यादा महंगा नहीं पड़ रहा था और धीरे धीरे हम लोगों ने सारे जो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा एरिया में था ना तो उतना अच्छे से हम लोग का पैर में तो दर्द हो ही गया था बट फिर भी हम लोगों ने कहा आप लोग के लिए बनाते हैं और आप देख सकते हो 1 दिरहम में आप लोगों को एयरिंग मिल रहा था इशू ये हो गया था ना क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी इसलिए मुझे ऐसे करके वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा था थोड़ा थोड़ा सा क्योंकि फ़ोन में दिख नहीं रहा था बिल्कुल भी और यहाँ पे हर स्टेट का डांस होता है तो यहाँ पे इंडिया का भी डांस हो रहा था तो गाइस यहाँ पे डांस का भी वो चल रहा था जहाँ जहाँ पे मतलब जिस कंट्री का था वहाँ वहाँ के कंट्री वाले जो है वो अपनी अपने कल्चर को यहाँ पे दिखा रहे थे डांस कर करके हम लोग कंट्री का तो पता ही है कि डांस और जो भी कल्चर से सारी चीज़ें दिखाई दे रही तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे और ये रहा वहाँ का ये वीडियो डांस का तो गाइस ये है इंडिया गेट के बाहर का जो व्यू था ये ऐसा था आप देख रहे हो जैसे कि मैं वहाँ पे खड़ी थी ताकि मैं आप लोगों को इंडिया के बाहर का व्यू दिखा सकूँ कि कैसा ये लोग डेकोरेट किए हैं और कैसा लग रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था लाइटिंग वाइटिंग क्योंकि दिन में आई थिंक 4 बजे से 1 बजे तक रात में खुला रहता है दिन में नहीं ओपन होता है जैसे कि ये मेला ओपनिंग का टाइम है ये अक्टूबर से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक चलता है अप्रैल लास्ट में बंद हो जाता है और जो उसका ओपनिंग का टाइमिंग है वो शाम को
चार बजे से लेके एक बजे तक रात में ऑन रहता है। और गाइस इसमें आप एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप छुट्टी के दिन आ रहे हो तो आपको 5 दिरहम महंगा पड़ जाएगा, यानी आप संडे से थर्सडे के बीच में आते हो तो आपको 25 दिरहम पड़ेगा, लेकिन 20 दिरहम पड़ेगा, लेकिन आप सैटरडे फ्राइडे सैटरडे को आते हो तो आपको 25 दिरहम पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए अगर आपको आना हो तो संडे से थर्सडे के बीच में आओ, ताकि आपको जो $5 एक्स्ट्रा लग रहा है ना वो 5 दिरहम हो, थोड़ा सा कम लगे। ओके, और उसके बाद से हम लोगों ने दूसरे कंट्री में गए थे, वहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें लगी हुई है और सभी कोई मतलब जो भी चीज़ें हैं। अभी इसके पीछे अफ्रीका का दिख रहा है, ये पहले स्टॉर्म कुछ करके था, पता नहीं किस देश की उसके, बट जो भी है करना है घूमना। यहाँ पर मेहंदी भी लग रहा है, खाने का मिल रहा है, शूज भी है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी नो 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 ताइवान ब्यूटी मस्त कपड़ा तैयार है, प्रॉपर है। क्वेश्चन ये अफ्रीका का है और अफ्रीका का पता ही है आपको सामान कितने हैं, वो जो आते हैं सारी चीज़ें लगी हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी औरतें होती हैं सारी मछली घूमती है, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब पास में ही है और यहाँ के जो कल्चर है वो यही है, तो सभी लोग बस वही वेयर पहनते हैं जो यहाँ से बिलोंग नहीं करते, जैसे हम लोग बाहर से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग तो नॉर्मल कैजुअल कर पहन घूमते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो गाइस ये दुबई का जो ग्लोबल मेला वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है और काफ़ी बेहतर होता है, काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामान मिलते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। मैंने भी लिया था बट मुझे तो बहुत मज़ा आया था यहाँ पर घूम के, क्योंकि आपको यहाँ पे फन वाली सारी चीज़ें मिलेंगी, मतलब झूला मिलेगा, एवरीथिंग जो आपको चाहिए, डांस डिस्को सारी चीज़ें आपको सब मिलेगा इस मेले में। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था, यूरोप है, बगल में अमरीका था, रशिया था, स्पेन था, इराक था, सारे मेले में कवर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा पैर में दर्द हो गया था, तो ये तो एक पार्ट वन है, इसके बाद अभी पार्ट 2, 3, 4 इसका पार्ट में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होता है, आधे घंटे से ऊपर का होता, तो आई थिंक आप लोग खुद ही बोर हो जाओगे, तो मैंने कहा चलो मैं इसको पार्ट में डिवाइड करती ताकि आप लोगों को देखने में कम्फर्टेबल हो। तो गाइस ये है पार्ट वन इसमें, अमरीका, यूरोप, कोरिया, झूला सभी लोग बैठे, फायर क्रैकर हो रहा है, ये इंडिया वाले ही कर रहे हैं क्योंकि इंडिया जो कंट्री है वो इसको फायर करी है, और ये काफी अच्छा लग रहा था मेरे को, मैं इसका पूरा वीडियो अभी ऐड करती हूँ। ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और इसका पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूँगी, तो उसको देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो के ऐसे मज़ेदार वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो गाइस चलिए आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में, वो इससे भी अमेजिंग होने वाला है।